हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 2009 की व्हाइट नाइट ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक कोरियन मूवी है। ये मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस, इस सब का कॉम्बिनेशन है। ये एक सस्पेंस है तो इसके प्लॉट के बारे में बताना गलत होगा, तो डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके नाम ज़रा डिफिकल्ट है, तो इसी वजह से इनका नाम मैं बदल देने वाला हूँ, तो आप इसे समझ लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो कैरेक्टर्स हमारे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इसमें एक है वॉल्टर और दूसरा है स्काइलर। हाँ, मैंने ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर्स का नाम यूज़ किया है क्योंकि मुझे ब्रेकिंग बैड भी बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे चैनल में मैंने सब कुछ उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वॉल्टर जो होता है, एक आदमी का वो मर्डर कर रहा है, और इसी वक्त स्काइलर एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ये सीन यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो बाहर आता है तो अपने सुपीरियर्स को वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मर्डर होगा। उसके सुपीरियर उसे कहते हैं कि ये सुसाइड है, ऐसा हमें लग रहा है। सुसाइड के जो सब चीज़ें होती है वो यहाँ पाई गई है, यानी कि सुसाइड नोट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ होती है, तो उन्हें लग रहा होता है कि ये सुसाइड होगी। पर वो जो डिटेक्टिव होता है उससे शक होता है कि ये मर्डर है। ये मूवी जो चल रही है, ये दो अलग अलग टाइम पीरियड में चलती है। ये 15 साल पहले और 15 साल बाद इस तरह से मूवी चलती रहती है। तो 15 साल बाद का, यानी कि जो अब प्रेजेंट है, वहाँ का ये सीन था। फिर से हमें 15 साल पहले जो सीन है वो हमें नेक्स्ट दिखाया गया है। इसमें भी एक मर्डर हुआ होता है। इस सीन में भी एक मर्डर के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ जाते हैं। यहाँ इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने वाला जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम हम हैंक रखेंगे। हैंक जब इस सीन पर पहुंचता है तो उसका फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ जो सब कुछ हुआ है इसके बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ एक आदमी का मर्डर हो चुका होता है और एक शार्प वेपन से उसे मार दिया होता है। हैंक को फिर पता चलता है कि ये आदमी अंदर मरा हुआ था और कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं गया है, यानी कि जो डोर था वो अंदर से बंद था, तो ये बहुत ही सस्पिशियस होता है। फिर हैंक फॉरेंसिक वाले से पूछता है कि जो मर्डर करने वाला आया होगा वो कहाँ से आया होगा। फिर वो फॉरेंसिक वाला उसे कहता है कि ये चिमनी से आया होगा, वहाँ एक चिमनी होती है, उस नैरो पाइप से वो आया होगा, ऐसा उसे बताता है। फिर हैंक उसे पूछता है कि इससे कौन आ सकता है। फिर उसे कहता है कुछ बच्चे थे जिन्हें शिप में हैंग आउट करना अच्छा लगता है और ये एमंडन शिप है, तो इसलिए वो यहाँ हैंग आउट करने के लिए आए हुए थे, तभी इन्हें बॉडी मिल चुकी थी। इस क्राइम सीन पर फिर हैंक को एक टेप भी मिल जाती है। अब एक क्राइम सीन से वो अपने पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अपने पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका जो सुपीरियर होता है वो इस केस पर डिस्कस कर रहा होता है। इस केस में उन्होंने फिगर आउट किया होता है कि जो सस्पेक्ट है वो एक औरत है। ये वही औरत होती है जिसको जो आदमी मर चुका है वो हमेशा पैसे भेजता रहता था। उस औरत का उस विक्टिम से कनेक्शन था, उन दोनों की रिलेशनशिप थी, ये एक अफेयर था, क्योंकि विक्टिम की वाइफ और लड़का दोनों थे, पर ये अफेयर वो उस औरत के साथ कर रहा था। ये जो औरत होती है, जो सस्पेक्ट होती है, तो उसने उससे बहुत सारे पैसे भी लिए होते हैं। तो पुलिस वालों को अब लग रहा होता है कि इसके पास मोटिव था और इस वजह से ये इसको मार सकती है। हैंक जो होता है, जो टेप उसे मिली होती है उसे ये सुन रहा होता है, उसे इस थेरीज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फिर उसे डांटते हैं और जो सस्पेक्ट औरत है उसके पास उसे भेज देते हैं। ये औरत जहाँ रहती है उसे घर के यहाँ वो आते हैं, उसका घर बंद होता है। वहाँ फिर एक लड़की आती है जो उस घर को ओपन करती है, उस औरत की ये बेटी होती है। ये घर में जाती है और हैंक उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। उसे अंदर आना होता है पर वो लड़की पहले उसका बैच पूछती है, उसके बाद ही उसे अंदर आने देती है। ये लड़की बहुत ही केयरफुल होती है। जब ये अंदर आती है तब उनसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, ये अपनी जो बुक होती है वही पढ़ने लग जाती है। ये जो बुक वो पढ़ रही होती है ये बहुत ही फेमस होती है और हैंक इस बुक को अब नोटिस करता है। मैं आपको यही बता दूं कि ये जो छोटी लड़की है इसी का नाम ही स्काइलर है। जैसा हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि किसी आदमी के साथ वो इंटीमेट हो चुकी थी, तो यही वो स्काइलर है। फिर हैंक उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि जो आदमी मर चुका था क्या तुम उसे जानती हो। वो कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। फिर पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। वो कहती है कि वो कभी कभी यहाँ आया करता था। थोड़ी देर में स्काइलर की मदर भी वहां जाती है। स्काइलर की मदर वहां आकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फिर उसे कहते हैं कि तुमने उससे पैसे लिए थे और कभी पे बैक नहीं किया था, तो इसी वजह से हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। फिर स्काइलर की मदर डिटेक्टिव को बाहर जाने के लिए बोलती है। वो अंदर आकर स्काइलर से बात करती है। वो कहती है कि तुमने कुछ बताया तो नहीं ना। स्काइलर कहती कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया है।
स्काइलर फिर कहती है कि कुछ पैसों के लिए हम अब ये सब नहीं कर सकते। उसकी मदर उस पर चिढ़ जाती है, बोलती है कुछ पैसे, अगर पैसे नहीं होगे तो तुम क्या स्ट्रीट पर रहोगी, तुम्हें अपना माउथ शट रखना है, कुछ भी तुम्हें किसी को कुछ भी बताना नहीं है। फिर ये कहकर उसकी मदर वहां से चली जाती है। इसके बाद मूवी के प्रेजेंट में हम फिर से आ जाते हैं और हमें स्काइलर एक स्कूल में टीचर है ये दिखाया जाता है। वॉल्टर हमें एक ट्रेन स्टेशन पर दिखता है और आज उसका बर्थडे होता है। एक लॉकर में वो जाता है और वहां उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ होता है, वो देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मिलियनेयर आदमी अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है। वो एक जगह जाता है जहां पे वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने वाला होता है। उसने एक डिरेक्टिव को हायर किया होता है, उससे वो बात करता है तो डिरेक्टिव उसे कहती है कि मुझे एक चीज गलत लगी थी। ये जो डिरेक्टिव होती है इस मिलियनेयर ने क्यों हायर की होती है इसके पीछे एक रीजन है। जो अपनी स्काइलर होती है वो इस मिलियनेयर के साथ सोती हुई हमें पहले सीन में दिखी थी, यानी कि इन दोनों में रिलेशनशिप है और अपनी रिलेशनशिप को वो आगे लेकर जाना चाहता है, तो इसीलिए उसका बैकग्राउंड चेक कर उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये वो चेक कर रहा होता है। इसी वजह से इस इन्वेस्टिगेटर को उसने हायर किया होता है। तो इन्वेस्टिगेटर उसे कहती है कि जो स्काइलर है ये अडॉप्टेड है। ये जब वो कह देती है तो मिलियनेयर वहां से चला जाता है और इस डिरेक्टिव को और भी काम करना होता है। ये मिलियनेयर फिर स्काइलर से मिलने आता है। स्काइलर एक फैशन डिजाइनर होती है और उसके लिए एक बड़ा सा शोरूम ये खोलकर दे रहा होता है, तो स्काइलर इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि छोटा सा भी अगर तुम कर देते तो भी ठीक रहता, इतना बड़ा तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मिलियनेयर उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ थैंक यू मुझे चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्काइलर का जो भी रूटीन होता है वो जहां भी जाती है वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उस पर हमेशा नजर रख रही होती है। वॉल्टर जो होता है वो एक बार में काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ वही काम करती है। फिर से हमें मूवी पास्ट में दिखाई गई है, 15 इयर्स पास्ट में हम जाते हैं और हमें दिखता है कि जो हैंक है वो जिस आदमी मर चुका था उसके घर पर आया है। वो उसके वाइफ से मिलता है, वहां का जो सर्वेंट होता है उससे भी बात करता है। वो उनसे पूछता है कि जब ये मर्डर हुआ था तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे, तो उसे कहते हैं कि हम एनिमल किंगडम देख रहे थे। फिर ये डिटेक्टिव पूछता है कि इस पर कौन सा शो चल रहा था, उसे कहते हैं कि एक मंकी था उसका बेबी मर चुका था तो उसे ड्रैग करते हुए जंगल से जा रहा था, यही शो यही एपिसोड चल रहा था। विक्टिम का जो बेटा होता है वो नीचे नहीं होता तो ऊपर जाकर अपने रूम में वो होमवर्क कर रहा होता है, तो हैंक वही भी आ जाता है। जो वहां पहुंचता है तो वहां वही बुक दिखती है जो स्काइलर के पास थी। हैंक फिर उस लड़के से अपना नाम पूछता है, वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है पर जो विक्टिम था उसका जो सर्वेंट है वो वहां आ जाता है। वो उसे डिस्टर्ब कर देता है, उसे उसे बात नहीं करने देता। ये जो बच्चा है इसी का नाम वॉल्टर है, जो हमें मूवी के प्रेजेंट में भी दिख रहा है, जिसने एक आदमी का अभी भी मर्डर किया है ये वही वॉल्टर है। ये जो सर्वेंट होता है ये जाते जाते डोर में उसे बात कर जाता है। वॉल्टर को कहता है कि हमने जैसा रिहर्सल किया है वैसा ही तुमने बताया नहीं, उसे पूछ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से मूवी के प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसा हमने देखा था कि एक आदमी का मर्डर हो चुका था, वॉल्टर ने ही उस आदमी को मारा है और ये जो आदमी अभी अभी मरा है ये वही सर्वेंट था जो 15 साल पहले वॉल्टर के घर में काम कर रहा था। वॉल्टर ने उसी के सर्वेंट को मार दिया है। अब ये सर्वेंट के केस के लिए जो डिटेक्टिव है वो वॉल्टर की मदर के यहाँ आया हुआ होता है, उसके मदर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर उससे क्वेश्चन करता है और पूछता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड मर चुका था तो उसके बाद तुम सर्वेंट के साथ रही थी, उसे कहती कि हाँ तब मैं यंग थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे सन का क्या, वो अब कहाँ है। वॉल्टर की मदर को वो कहाँ है ये मालूम नहीं होता। फिर एडिक्ट पूछता है कि क्या वो अपने फादर से प्यार करता था, वो कहती है कि हाँ वो उससे प्यार करता था। फिर जो मदर होती है उसे क्वेश्चन ज्यादा होने लग जाते हैं तो डिटेक्टिव को जाने के लिए बोलती है, जिससे हम 15 साल पहले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जो छोटी स्काइलर होती है वो अपने मकान मालिक के यहाँ आती है, उसे कहती है कि डोर बंद हो चुका है और मेरी मदर कहाँ है मुझे पता नहीं, प्लीज मुझे मेरे घर का डोर ओपन कर दो। फिर वो मकान मालिक उसके साथ जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो स्काइलर की मदर वहां मरी हुई पड़ी हुई होती है। जो गैस होता है वो ऑन होता है और सबको लगता है कि ये सुसाइड है। पुलिस वहां आती है और हैंक भी यहाँ होता है। हैंक पूरा क्राइम सीन देखता है और वहां उसे एक लाइटर मिलता है, इस पर जो साइन बना हुआ होता है ये जो पहले विक्टिम था उसके बेल्ट पे भी था, यानी कि स्काइलर की मदर अब मरी है, इसके खिलाफ और एक एविडेंस उसे मिल गया है। अब ये जो केस होती है, इस केस में एक एविडेंस जो थी वो ये औरत ही थी, यानी कि स्काइलर की मदर ही थी, तो अब ये मर चुकी है तो इसी वजह से वो अब ये केस बंद कर दे रहे होते हैं।
पर अभी भी हैंक को लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा होता। स्काइलर की मदर ने सुसाइड नहीं की है ऐसा उसे लग रहा होता है। यहाँ हमें हैंग का पार्टनर जो होता है वो बोलता हुआ दिखता है कि उसने एक टेस्ट ली है जिससे वो एक सुपीरियर ऑफिसर बन सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। हैंग इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेता। हैंग फिर भी इस केस पर काम कर रहा होता है। जब वो मर्डर सीन की फोटोग्राफ देखता है तब उसे पता चलता है कि अगर गैस ऑन था तो उस पर जो करी थी वो बॉयल होकर उसे नीचे गिर जाना चाहिए था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये चीज वो अपने सुपीरियर को कहता है। उसका सुपीरियर उसके मानता नहीं और कहता है कि ये केस बंद हो चुकी है, तुम्हें इतना ज्यादा इस पर सोचना नहीं है। उसे केस बंद करने के लिए बोल देता है। हैंग इस पर चिढ़ जाता है, उसे ये नहीं करना होता, और वहां से वो चला जाता है। हैंग फिर जिस शिप पर वॉल्टर के फादर मरे थे उस शिप पर आ जाता है। वहां उसने अपने बेटे को लाया हुआ होता है। जिस चिमनी से मर्डर आया था उसी चिमनी से एक बच्चा ही जा सकता है, तो इसीलिए वो अपने बच्चे को वहां लाता है। उसके बच्चे को क्रिसमस के लिए एक बाइसिकल चाहिए होती है, तो इस लालच में वो एक काम करने के लिए रेडी होता है। हैंक का सन जब नीचे उतर रहा होता है तो हैंक उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। वो स्मोकिंग कर रहा होता है और बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका बच्चा वहां से गिर जाता है और वहां नीचे गिरकर वो मर जाता है। फिर से हम मूवी के प्रेजेंट में आते हैं, और जो डिटेक्टिव थी वो मिलीनियर के पास आई हुई होती है और उसे कहती है कि जो स्काइलर है उसका एक स्टॉकर हुआ करता था। फिर वो मिलीनियर से कहता है, ये जो स्टॉकर है इसके बारे में तुम सब कुछ पता करो और इसका सब सही ठिकाना लग जाना चाहिए। वो मिलीनियर कहता है कि जब भी मैं स्काइलर के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अलग लगता है, मुझे ये फीलिंग अब नहीं चाहिए, तो इसलिए उसे क्लोजर चाहिए होता है। इसी वजह से इस स्टॉकर का पता लगाकर उसे ठिकाने लगाने के लिए इस इन्वेस्टिगेटर को बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि जो सर्वेंट था उसका केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो डिटेक्टिव अब वॉल्टर के पास आया हुआ है। वॉल्टर से पूछता है कि जब वो सर्वेंट मरा था तब तुम कहाँ थे। वॉल्टर कहता है कि तब मैं सोया हुआ था। वॉल्टर के नेक पर एक निशान होता है, वो भी है डिटेक्टिव नोटिस करता है। ये जो डिटेक्टिव होता है फिर वो हैंग के पास आता है। 15 साल गुजर चुके हैं तो हैंग की भी अब एज हो चुकी है। उसे डायबिटीज है और इससे उसे तकलीफ होती रहती है। वो हैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि जब तुम इस केस पर थे, यानी वॉल्टर के फादर जो मर चुके थे उस केस पर जब तुम थे, तब तुम्हारे बच्चे के मर जाने के बाद 2 साल तक तुमने इस केस को परस्यू किया था, तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका था, फिर भी तुम इसी केस पर लगे पड़े थे। तो उससे वो पूछ रहा होता है कि क्या उसे कुछ ज्यादा मालूम है, पर हैंग उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता और चले जाने के लिए इग्नोर कर देता है। जो मिलेनियर होता है उसकी एक बेटी भी होती है। वो स्काइलर के साथ अब है तो उसकी बेटी को ये अच्छा नहीं लगता। स्काइलर उसकी बेटी को स्कूल से घर लेकर जा रही होती है क्योंकि वो सेम ही स्कूल में ये पढ़ाती है और मिलीनियर की बेटी भी वही पढ़ती है, तो इसलिए स्काइलर उसे घर छोड़ रही होती है। तो इन दोनों में नहीं पढ़ती है, तो वो बेटी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ प्रिटेंड नहीं करना है, तुम जो स्माइल कर रही हो वो भी फेक है, ये मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अब उस सर्वेंट के घर पर आया हुआ है और क्राइम सीन को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके बाद 1 वीक बीत जाता है। हैंक को लगता है कि इस डिटेक्टिव को उसे मदद करनी चाहिए। इसके लिए जब वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव मर चुका है। हैंक फिर इस काम में फिर से लग जाता है। हैंक फिर वॉल्टर की मदर को मिलने आता है कि जब तुमने मुझे बताया था कि तुम एनिमल किंगडम देख रही थी तो मुझे शक गया था, तो मैंने एनिमल किंगडम के सब एपिसोड देख लिए और मुझे वो मिल भी गया। उसे बता रहा होता है कि मुझे प्लीज बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, पर वॉल्टर की मदर उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो डिटेक्टिव मिसिंग है उसे वॉल्टर गार्ड रहा होता है। ये एक गार्डन होती है जहाँ उसे गार्ड देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मिलेनियर और स्काइलर दोनों इंटीमेट हो चुके होते हैं। तो मिलेनियर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो। फिर स्काइलर कहती है कि तुम बहुत ही रिच हो इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। स्काइलर कहती है कि मुझे कभी भी पैसों की चिंता ना करनी पड़े, इतने पैसे अगर मेरे पास आ गए तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी। फिर हमें देखता है कि इस मिलेनियर को कॉल आ जाता है। स्काइलर का जो स्टॉकर था वो अब पकड़ा जा चुका है। जो हैंक है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो जो मिलेनियर ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया होता है वो उसे वहां देख लेती है और उसे बेहोश करने की कोशिश कर लेती है, पर हैंक उसे ही पकड़ लेता है और जो भी उसने इन्वेस्टिगेट कर रखा होता है वो सब देखता है। वह उसे पता चल जाता है जो स्काइलर है उसने अपना नाम चेंज कर कर अब वो रह रही है।
मिलीनियर के साथ वो रिलेशनशिप में है और वो मिलीनियर उसे शादी भी करना चाहता है, ये सब इन्फॉर्मेशन अब उसे मिल चुकी है। स्काइलर जिस बिल्डिंग में रहती है उसी बिल्डिंग के नेक्स्ट बिल्डिंग में हमें वॉल्टर दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को खिड़की से देख सकते हैं, यह हमें पता चलता है। हैंक को अब पता होता है कि स्काइलर का जो स्टॉकर था वो भी पकड़ा जा चुका है, तो इस स्टॉकर से वो मिलने के लिए जाता है। ये स्टॉकर उसे यहाँ कहता है कि मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैं उसके आगे पीछे घूमता था, पर जो रियल स्टॉकर था वो अलग ही था कि अगर तुम उसे देख सको तो क्या पहचान जाओगे। ये स्टॉकर भी यहाँ हाँ कहता है। हैंक को अब यहाँ पता चल चुका है कि वॉल्टर और स्काइलर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है वो स्काइलर के पुराने स्कूल में आती है। वहां की एक टीचर उसे कहती है जो स्काइलर थे और वॉल्टर ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वॉल्टर के फादर को स्काइलर की मदर ने मारा है, इसी वजह से एक ही स्कूल में रहना इन दोनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। स्काइलर को बच्चे तंग करते थे, उसका जीना उन्होंने हराम कर दिया था, पर वॉल्टर ने कभी भी उसे तंग नहीं किया था। फिर हमें वॉल्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखता है, वो इंटीमेट हो जाते हैं। ये खत्म हो जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। उसे स्काइलर के बारे में पता होता है, वो पूछती है कि तुम उसके साथ जब थे तो वो कैसा था। जो वॉल्टर होता है वो स्काइलर से बहुत ही प्यार करता है, वो किसी औरत के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्काइलर और मिलीनियर दोनों कार में सफर कर रहे होते हैं। जब वे कार में होते हैं तब कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और स्काइलर फिर इस मिलीनियर को गाड़ी से निकालती है और उसे बचा लेती है। उसके पास एक डिवाइस होता है जिससे ये सब हो चुका होता है, इसका मतलब जो ब्रेक फेल हुए थे ये स्काइलर ने ही प्लान किया था। जब हॉस्पिटल में होते हैं तो मिलीनियर स्काइलर से बहुत ही थैंकफुल होता है और उसे ये जता कर देता है। वह फिर उस मिलीनियर की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आती है, वो स्काइलर को सब सच सच बताता है कि मैंने तुम पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सब किया था। वो स्काइलर को सच सच बताता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा था। स्काइलर को भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे कहती है कि मेरी मदर मर जाने के बाद मैं मेरे एंड की यहाँ रह रही थी। उसकी एंड जो होती है उसके हस्बैंड भी मर चुके होते हैं, तो उसके हस्बैंड का जो नेम होता है ये स्काइलर ले लेती है। स्काइलर की मदर मर चुकी थी और उसके एंड का हस्बैंड मर चुका था, तो एक दूसरे का ये सहारा बन जाते हैं। स्काइलर की मदर और स्काइलर के एंड का हस्बैंड दोनों मर चुके थे तो एक दूसरे का ये सहारा बन चुके थे। उसकी एंड ने फिर उसको अडॉप्ट कर लिया था, इसी वजह से उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। इन्वेस्टिगेटर ने स्काइलर के खिलाफ जो भी कुछ सबूत इकट्ठा किए थे अब वो पूरे इस स्टेटमेंट से, इस स्टोरी से अब वो सब फील हो चुके हैं, यानी कि अब वो स्काइलर पर शक नहीं कर सकता। स्काइलर ने अभी अभी उसकी जान बचाई है तो इसलिए वो उससे प्रपोज कर देता है, उसे शादी के लिए वो मना लेता है। मिलीनियर की जो बेटी होती है वो स्काइलर से कहती है कि एज अ मदर मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है तो इसे अब मिलीनियर ने जॉब से हटा दिया है, पर फिर भी उसे लग रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो हैंक से मिलने आई हुई होती है, वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे फिर भी मैं पता कर ही लूंगी। हैंक भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो उसे अपने घर पर लेकर आता है, वो अपने इन्वेस्टिगेशन की सब फाइल्स वगैरह उसे दिखाता है। इस फाइल में वॉल्टर के फादर जब मरे थे वह उसे एक कैसेट मिली थी, वो कैसेट फिर उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को सुनाता है। वो जो कैसेट होती है इसमें नॉइज होता है, पर इसमें जो बैकग्राउंड होता है उसने क्लियर किया होता है। यहाँ उसे वॉल्टर की आवाज सुनाई देती है, यानी कि इसे पता होता है कि जिस साथ वॉल्टर के फादर मरे थे उसके साथ वॉल्टर था। फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कहता है कि वॉल्टर के फादर को वॉल्टर ने ही मारा था। यही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है और यही सेंस करता है। ये सब वॉल्टर सुन रहा होता है, वो नीचे ही अपने गाड़ी में होता है। उसने एक डिवाइस हैंक के अपार्टमेंट में भी प्लान किया होता है, इसे वो सब सुन सकता है। स्काइलर का जो शॉप होता है उसका अब सब कुछ इंटीरियर डेकोरेशन सब हो चुका होता है, उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर हैंक के घर पर आ चुका है। हैंक के घर पर आकर वो देख रहा होता है कि हैंक ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वह उसे समझ में आ जाता है कि हैंक को पता है कि वही रियल किलर है। जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है अब उसे पता चल जाता है कि स्काइलर ने वही एक्सीडेंट मिलीनियर का करवाया था, तो ये कॉल कर वह हैंक को बताती है। हैंक उसे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में जाओ, वह कीज मैंने रखी है वो लेकर तुम अपार्टमेंट में रुको। हैंक फिर अपने सुपरियर के पास जाता है, उसे जाकर सब बताता है कि वॉल्डर ही है जिसने उसके फादर का मर्डर किया था।
उसका सुपीरियर अभी भी मान नहीं रहा था। हैंग उसे कहता है कि जिस आदमी को यानी कि सर्वेंट को मार दिया गया था उसके हाथ में एक डीएनए मिला था। उस डीएनए को अगर हम वॉल्टर से मैच कर पाए तो वॉल्टर ही रियल किलर था, यह हमें पता चल जाएगा। पर उसका सुपीरियर इसके लिए मान नहीं रहा होता। उसका जो सुपीरियर होता है उसका फ्रेंड ही होता है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि उसके फ्रेंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि अब बहुत साल गुजर चुके हैं, तुम्हें इस केस को ड्रॉप कर देना चाहिए, कि मुझे ये ड्रॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हैंक को ज्यादा दिख नहीं रहा होता, वो ब्लाइंड हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे वो हैंक के घर पर पहुंच चुके हैं, पर अब वहां ऑलरेडी वॉल्टर आ चुका था। वॉल्टर वहां पॉइजनस गैस फैला देता है और खुद एक मास्क पहन लेता है। जब वे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वहां पहुंचती है तो वह बेहोश हो जाती है, वही मर जाती है। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का हैंग से ही फोन चल रहा होता है तो हैंग को पता चल जाता है कि इसे मारने के लिए कोई आया है। हैंग भागकर वहां पहुंचता है पर वहां उस घर पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि वॉल्टर अब इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की बॉडी गाड़ रहा है। ये जो जहाँ गाड़ता है वहाँ एक गार्डन होती है। फिर हमें दिखता है कि जिस गार्डन में वो गाड़ रहा है ये जो हाउस है ये स्काइलर का ही हाउस है। स्काइलर की आंट जा रहती थी जहाँ वो बचपन से बड़ी हुई है, उसी घर में वो इन सब बॉडी को गाड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर अपने क्लासरूम में आती है। मिलिनियर की जो बेटी होती है उसने बोर्ड पर लिखा होता है कि स्काइलर की मदर एक मर्डरर थी, इससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। और उसे वॉल्टर को मैसेज देती है और उसमें लिखा होता है कि उसे उस मिलिनियर को बेटी को मार देना है। फिर वॉल्टर और स्काइलर रस्ते के आर पार एक दूसरे को देखते हैं और फोन पर बात करते हैं। वॉल्टर से कहता है कि हमारा जो भी प्लान है ये वर्थ इट मुझे अब नहीं लग रहा, मैं किसी बच्चे को नहीं मार सकता। स्काइलर से कहती है ये एक लास्ट काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बाद हम एक हैप्पी एंडिंग हमारी हो जाएगी। इसका प्लान होता है मिलिनियर के पास वो शादी करेगी और उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ जाएंगे और फिर वो उससे डिवोर्स ले लेगी, फिर वो वॉल्टर के साथ रहने वाली होती है। वॉल्टर से कह रहा होता है कि हम अब यहाँ से चले जाते हैं, हमें पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। स्काइलर से कहती है कि ये जो सब मैंने किया है ये मैंने पैसों के लिए तो किया है, बिना पैसे के मैं कैसे रह सकती हूँ। वॉल्टर को ये नहीं करना होता और बहुत डिस्टर्ब होता है। जो सब मर्डर्स वॉल्टर कर रहा है अब वॉल्टर की मदर को पता है, वो हैंक को उसके पास बुलाती है, वो उसे फिर सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि वॉल्टर के फादर जब जेल से बाहर आ चुके थे तो वो वॉल्टर से मिले थे। वॉल्टर को पता था कि उसके फादर स्काइलर को पसंद करते हैं। वो बोलती है कि वॉल्टर के फादर को छोटी बच्चियां ही अच्छी लगती थी। स्काइलर की मदर वॉल्टर के फादर से पैसे लेती थी और स्काइलर को उनके पास भेज देती थी। फिर वॉल्टर के फादर उसका शारीरिक शोषण करते थे। ये जब बात वॉल्टर को पता चली तो वॉल्टर के फादर को उसने मार दिया। जब वॉल्टर के फादर को उसने मार दिया था तो उसके जो कपड़े थे वो वॉल्टर के सर्वेंट को मिले थे। सर्वेंट ने फिर उसकी मदर को ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से उन दोनों में रिलेशनशिप हो चुकी थी। वॉल्टर ने यह देखा था, जब वो बड़ा हो चुका था तब सर्वेंट को उसने मार दिया है। वो फिर हैंक को कहती है कि वॉल्टर को तुम अब पकड़ लो। स्काइलर जब मिलिनियर की लड़की के साथ घर पर आती है तो वॉल्टर आया हुआ होता है। वो वॉल्टर को उस लड़की का रेप करने के लिए बोलती है। ये लड़की बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। फिर स्काइलर उसे कहती है कि ये जो सीक्रेट है ये हम दोनों के बीच में रहेगा। जब रात होती है तो स्काइलर उसके पास जाती है, वो अपने कपड़े उतारती है और उसे जकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा होगा कि उसने तुम्हारे साथ कैसे रेप किया था, जैसे अब मैंने तुम्हें जकड़ा है ये तुम याद रखो। वो उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ भी यही हुआ था, तुम ये कभी भूल नहीं सकोगी, पर अब हम दोनों में ये कॉमन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिखता है कि हैंक अब इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे वॉल्टर ने उसके फादर को मार दिया होगा। यह सीन फिर हमें दिखाया गया है, अपने फादर को देख लेता है जब वो स्काइलर के साथ होता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और चाकू लेकर अपने फादर को मार देता है। फिर स्काइलर उसके पास आती है और कहती है कि तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा होता तो कभी ना कभी मैं तुम्हारे फादर को मार ही देती। वॉल्टर स्काइलर से बहुत ही प्यार करता है तो एक दूसरे का रात वो दफना देते हैं। स्काइलर से कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कुछ भी सीन हमने किया होगा तो हम अगर 15 साल तक इसका प्रायश्चित करेंगे तो हम ये सीन भुला सकते हैं। इसी वजह से 15 साल तक वो एक दूसरे से नहीं मिलते।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हैंक स्काइलर से मिलने आया हुआ है। हैंक फिर स्काइलर से कहता है कि वॉल्टर से तुम सब चीजें जो करवा रही हो इससे वो बहुत ही ज्यादा दलदल में धंसता जा रहा है। वो 20 साल से वही शिप में ट्रैप्ड है, कभी भी उसे सेल्वेशन नहीं मिला है। उसे तुम ही सेव कर सकती हो, ये कहकर वो उसे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर स्काइलर को कॉल करता हुआ दिखता है, उसे कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अगर मैं मेरे फादर को नहीं मारता तो मेरे साथ क्या होता। वो अब सेकंड डाउट्स कर रहा होता है, जो भी चीजें उसे करनी पड़ रही है उससे उसूलों के खिलाफ होती है, फिर भी वो स्काइलर से प्यार करता है, इसी वजह से वो ये सब कर रहा है। हमें दिखता है कि अपने पार्टनर को ये सब हैंग बता देता है। उसका पार्टनर भी अब वॉल्टर को जेल होनी चाहिए इसके लिए राजी हो जाता है। वॉल्टर ने जो भी सब डेड बॉडीज गाड़ी हुई होती है स्काइलर की एंड वो अपने गार्डन में मिल जाती है। स्काइलर फिर वॉल्टर से मिलने अपने अपार्टमेंट में आती है, उसे कहती है जो भी मेरे साथ हुआ था अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ये सब मैं नहीं कर पाती, मैं जी नहीं पाती, तुमने मुझे सहारा दिया है, इसलिए उसे वो थैंक यू कह रही होती है। ये कहकर उसका जो शॉप है उसका इनॉग्रेशन अब होने वाला है तो इसलिए वो उसे इनवाइट कर वहां से चली जाती है। अब हैंक का प्लान होता है कि जो स्काइलर का इनॉग्रेशन है वो जिस डेट पर था उसी डेट पर वॉल्टर के फादर भी मरे थे, ये उन दोनों के लिए अब स्पेशल डे होने वाला है, तो इस डे पर वॉल्टर भी इस इनॉग्रेशन में आएगा। तो वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और उसने तैनात किए होते हैं, ये सब उस इनॉग्रेशन पर नजर रख रहे होते हैं। तो वहां एक सेंटा क्लॉस आता है, हैंक के बॉस की खिड़की पर वो खटखटाता है और इस खिड़की को तोड़ देता है। वो भागने लग जाता है, सब पुलिस उस सेंटा क्लॉस के पीछे भागते हैं, पर हैंक फिगर आउट कर लेता है ये एक छलावा है। वो भीड़ को देखने लग जाता है और वहां उसे वॉल्टर भी मिल जाता है। वॉल्टर के पीछे भागता है और एक रूम में वो जाते हैं। वॉल्टर उस पर वार कर देता है। वो वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अब सल्वेशन ढूंढ लेना चाहिए। उसे पता होता है कि वो हर्ट हो रहा है, इसलिए उसे कहता है कि स्काइलर भी इसके लिए मान जाएगी, वो भी समझ जाएगी, तुम्हें इतना हर्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वॉल्टर से कहता है कि स्काइलर की न्यू लाइफ में हम दोनों ही एक ही लिंग है जो ये सब बर्बाद कर सकती है। वॉल्टर हैंक को मार ही देने वाला होता है तभी हैंक के सब साथी वहां जाते हैं। वॉल्टर वहां भागता है, रूफ टॉप पर आता है। रूफ टॉप पर आने पर हैंक उससे कहता है कि इससे सिर्फ मैं ही निपटने वाला हूँ। हैंक वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है पर वॉल्टर उससे कहता है कि जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जब वो आकाश में सबसे ऊपर होता है, तब उसके नीचे की जो शैडो होती है वो किसी को भी नहीं दिखती है। इसका मतलब है स्काइलर अब अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी है, वो अब बहुत ही पावरफुल है। मिलीनियर से अब उसकी शादी हो चुकी है तब वो बहुत ही पावरफुल है। उसके नीचे कुछ भी शैडो होगी, उसने कुछ भी गलत काम किए होगे, फिर भी वो पावरफुल है, वो व्हाइट चमक रही है, तो उसकी शैडो किसी को भी नहीं दिखेगी। अब हमें पता है कि मर्डर को और स्काइलर को वॉल्टर ही एक लिंक है जो उसे कनेक्ट कर सकती है, तो इसलिए वॉल्टर अपने आप को ही इंजोर कर लेता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है स्काइलर के ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्काइलर का जो इवेंट चल रहा होता है उसी इवेंट में वो गिर जाता है। मिलीनियर की जो बेटी होती है वो वहां वॉल्टर को पहचान लेती है पर स्काइलर उसे दबा देती है। हैंक को पता चल जाता है कि ये लड़की उसे जानती है। हैंक फिर स्काइलर से कहता है कि अभी तो तुम सच बता दो। स्काइलर कहती कि मैं उसे नहीं जानती। फिर हमें एस्केलेटर से ऊपर जाती हुई दिखती है, यानी कि स्काइलर अपनी लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है और वो पुरानी चीजों में नहीं उलझना चाहती। अब मूवी का एक फ्लैशबैक का सीन हमें दिखता है जहां पे वॉल्टर और स्काइलर कॉलेज में होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वो अभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो डिस्टेंस पे ही वो रुकते हैं और एक फोटो निकालते हैं। इस फोटो में हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रह पाए पर उनका जो प्यार था एक दूसरे से अलग ही रहकर ये अमर हो चुका है। यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।